आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसले पर आपके साथ बातचीत शेयर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ। हमें बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई को, ईडी को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थानी जी को सौंपी है कि इन 15 लोगों को रेड करके इनके ऊपर रेड डालो, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाओ, इन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाओ और इनको बर्बाद करना है। आने वाले चुनाव से पहले इनको बर्बाद करना है, ये टास्क प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई को दिया है, उन्होंने ये टास्क ईडी को दिया है, उन्होंने ये टास्क दिल्ली पुलिस को दिया है। उनसे कहा गया है कि कुछ भी करो, झूठे मुकदमे लगाओ चाहे इनके ऊपर, चाहे झूठे केस लगाओ। ये 15 लोग जो हैं, इनमें जो हमारे रिलायबल सोर्सेज ने हमको बताया कि इन 15 लोगों में कई नाम आम आदमी पार्टी के भी हैं। इनके बारे में कहा गया है कि इनको बर्बाद करो क्योंकि आने वाले चुनाव में ये बड़ा खतरा बन सकते हैं। मोदी जी ने अपने ब्रह्मास्त्र, जो उनके सबसे विश्वसनीय है और उनके सारे कार्यक्रमों में, सारे पूरी पॉलिटिकल ग्रोथ में महत्वपूर्ण सपोर्ट देने वाले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब हैं राकेश अस्थाना जी, उनको, वो उनका ब्रह्मास्त्र है, अपना ब्रह्मास्त्र अब उन्होंने चला दिया है कि इन 15 पॉलिटिकल लोगों को बर्बाद कर दो आने वाले चुनाव से पहले, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हमें यह भी बताया गया कि राकेश अस्थाना जी ने तो प्रॉमिस किया है कि इन 15 लोगों को आने वाले चुनाव से पहले, चाहे जैसे भी केस लगाने पड़े, जो भी करना पड़े, इनके खिलाफ रेड डालनी पड़े, इनको अरेस्ट करना पड़े, पूरी तरह से इनको बर्बाद कर देंगे। इस इंफॉर्मेशन के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस एक्शन के बारे में और इस मंशा के बारे में, कि आम आदमी पार्टी सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति करती है। मोदी जी, आप अपनी पुलिस भेज लीजिए, आप अपनी सीबीआई भेज लीजिए, आप अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज लीजिए, आप ईडी को भेज लीजिए, आपने पहले भी सारे डिपार्टमेंट भेजे, आप फिर से भेज लीजिए, हम सबका स्वागत करते हैं क्योंकि हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, हम सच्चाई की राजनीति करते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। आपको जो चाहे जांच करा लीजिए हमारे खिलाफ, आप हमारे खिलाफ जितना चाहे मुकदमे करा लीजिए, फर्जी मुकदमे, फर्जी रेड, फर्जी अरेस्ट, जितना करा लीजिए। आम आदमी पार्टी अपनी सच्चाई की राजनीति पर डिगी रहेगी, अटल रहेगी, उससे डिगेगी नहीं। लेकिन उनका स्वागत करते हुए, आपकी तमाम सीबीआई का, पुलिस का, ईडी का, इनकम टैक्स का, सबका स्वागत करते हुए हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि आपने पहले भी बहुत रेड कराई है हमारे ऊपर, खुद मेरे घर पे 2 बार सीबीआई की रेड हो चुकी है, 6-6 घंटे मेरे घर सीबीआई की रेड हुई है, आप देश को बताएंगे कि क्या मिला उसमें, कुछ निकला उसमें, क्या नतीजा निकला उसका। सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ में 12 केस सीबीआई में दर्ज कर रखे हैं, क्या निकला उसमें। हमारे 21 एमएलए के खिलाफ फर्जी मुकदमे, फर्जी केसेस बना बना के उनको अरेस्ट करके जेल में रखा गया, अंत में जब मामला अदालतों में पहुंचा तो अदालतों में कई मामलों में तो पुलिस को फटकार लगाई गई कि इस तरह के फर्जी मुकदमे लगा के तुम पॉलिटिकल गेम खेलते हो, पॉलिटिकल पार्टीज का टूल बने हुए हो, क्या निकला प्रधानमंत्री जी उसमें। आपने 21 एमएलए भी अरेस्ट कराए थे हमारे, आपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ साजिशें रचवाई, उनके दफ्तर पे सीबीआई की रेड हुई, उनके घर में पुलिस का छापा पड़ा, उनके बेडरूम में भी पुलिस घुसा दी आपने, पहली बार ऐसा हुआ देश के चीफ मिनिस्टर के घर में पुलिस घुसी, उनके बेडरूम तक में पुलिस पहुंचा दी आपने, बाद में कोर्ट ने छोड़ दिया, बल्कि कोर्ट ने लताड़ भी लगाई पुलिस को। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, इन रेड्स का क्या निकला, इन छापों का, इन अरेस्ट का क्या निकला आखिरकार, देश को भी तो बताइए ना। आप एक के बाद एक रेड कराते हैं, एक के बाद एक छापे डलवाते हैं अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे। आपने आम आदमी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पे सीबीआई रेड करवाई 2 बार, आपने चीफ मिनिस्टर के घर पे ऑफिस में रेड्स करवाई, आपने सत्येंद्र जैन के खिलाफ 12 मुकदमे करवा रखे हैं, आपने 450 फाइल्स की जाँच कराई थी आम आदमी पार्टी की सरकार की शुगलू कमेटी से, क्या निकला उससे,
कुछ भी नहीं निकला। तो इसीलिए हमें तो पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि हम ईमानदारी और सच्चाई की राजनीति कर रहे हैं, हम जनता का काम कर रहे हैं, हम लोगों की शिक्षा पे काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, हम इस देश को एक शिक्षा मॉडल दे रहे हैं जिससे देश विकसित बन सकता है। हमें तो अपने ऊपर पूरा भरोसा है, लेकिन आप भी तो बताइए कि इन रेड्स से आखिरकार क्या निकला। जितनी रेड्स अभी तक आपने कराई हैं, आप और करा लीजिए, हम उनका भी स्वागत करेंगे। आज आम आदमी पार्टी का ग्राफ दिल्ली के बाद पंजाब में बढ़ रहा है, गोवा में बढ़ रहा है, उत्तराखंड में बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, चारों तरफ में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ते देख कर, और गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, 27 सीटें वहां पे गुजरात के गढ़ में मिली हैं आम आदमी पार्टी को, आज भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप जनता का दिल जीत के और जनता का काम करके राजनीति करवाइए ना भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी, आपकी सरकारें लोगों का काम करके लोगों का दिल जीते ना, जैसे आम आदमी पार्टी ने किया है। ये सीबीआई के सहारे, राकेश अस्थाना जी के सहारे, ये पुलिस के सहारे, दिल्ली पुलिस, ये इनकम टैक्स के सहारे कब तक सरकारें जीतते रहेंगे आप? वैसे आपकी मर्जी है, बाकी तो मैं यही कहूँगा कि आपकी मर्जी है, बस हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपकी इन्फोर्सिस का स्वागत करेंगे, और जैसा पहले भी आपने बहुत बार कोशिश की जिनका मैंने जिक्र किया, निकलेगा इस बार भी कुछ नहीं, आप करा लीजिए जितनी रेड करानी है।